अब आपने डॉक्यूमेंट गिरा दें। ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ऊपर, हाँ ऐसे हाथों में। अच्छा तो हाँ हाँ, और नीचे गिरा दो, बस आ जाओ। ये गुम कर दिया, गुम कर दिए, गुम कर चुका हूँ। आ जाओ डी वाले कुत्ते को मैंने विचारो, अब आ जाओ। डॉक्यूमेंट गुम कर चुका हूँ, हाँ अब आ जाओ डी वाले कुत्ते को विचार, आ जाओ। मुकेश जी ने वास्तव में ही डॉक्यूमेंट गिरा दिए हैं जी। तो मुकेश जी अब कैसा फील कर रहे हो? डॉक्यूमेंट तो गुम हो चुके हैं, अब मन में क्या विचार आ रहा है? सर मन में विचार ये आ रहा है कि डॉक्यूमेंट जहां गिरा है उनको उठा के लाए या और कोई ले जाए। हाँ अब कहो लेके जा ही चुका है, खतरे को पूरा बढ़ा के रखो कि कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है और उसका गलत प्रयोग कर चुका है और मुझे जेल हो चुकी है। और डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है, उसका गलत प्रयोग कर चुका है, हाँ, मेरे को मुझे जेल हो चुकी है, यही बोलते रहो। मेरे को जेल हो चुकी है, हाँ ये बोलते रहो, रिपीट करते रहो कंटिन्यू। कोई डॉक्यूमेंट लेके चला गया है उनका, जा चुका है, हाँ। अच्छा कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है मैं उसका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। वेरी गुड, बोलते रहो। डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है मेरे उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर चुका है कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है मेरे को जेल हो चुकी है। कोई डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उनका गलत प्रयोग कर दिया है और मेरे को जेल हो चुकी है। हाँ अभी क्या आ रहा है मन में? अभी तो सर यही आ रहा है, कोई ले गया ऊपर ही। अब को लेके जा ही चुका है और मुझे फंसा ही चुका है। अब तो डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है और मेरे को फंसा चुका है और मेरे को जेल हो गई है। हाँ कह दे आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते को मैंने विचार, आ जाओ आ जाओ। हाँ मुझे तो हो चुकी है जेल, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते मिले वाले विचार, आ जाओ मेरे को जेल हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है उन डॉक्यूमेंट उसने मेरे को फंसा दिया, मेरे को जेल होने वाली है। ओसीडी वाले कुत्ते में विचार आ जाओ। अभी खतरा कितना महसूस हो रहा है? खतरा तो है सर लगभग 8-9 करीब। अच्छा तो ये बताओ आपका रियल खतरा है या फेक है ये सर? हाँ अभी तो ऐसा लग रहा है ये फेक ही है। हाँ फेक है तो फिर मान लो कोई ले भी गया तो क्या करेगा? चूल्हे में डालेगा, जला देगा,
इससे ज्यादा कुछ तो प्रयोग हो नहीं सकता जी। अगर होता तो लोग फिर डॉक्यूमेंट चोरी कर करके ले जाते ना जी। आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट आपके पास आने से पहले किसी और के पास भी तो आते हैं ना जी, जो वो भी बनाते हैं, कलरक बनाते हैं जी। वो तो हजारों लोगों के डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पास जी, वो तो किसी का भी कर देते जी। उनके पास तो उनके दुश्मनों के भी आते हैं जी, जिनसे लड़ाई झगड़ा होता है, उनका तो काम होता है ना, सबके वो डॉक्यूमेंट निकालते हैं ना जी जी। तो वो तो कब का मिसयूज कर देते, उनका तो कभी का कर देते हो। हाँ, तो कलरक बनाते तो कलरक ही ना, तो कभी का फंसा देते हो। हाँ, तो आज तक हुआ ऐसा? ऐसा नहीं हुआ सर। तो क्योंकि अगर वो मिसयूज करेंगे तो वो फंसेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट जो लेके गया वो फंसने वाला है। तो अब आप कहोगे यार अब तो जो लेके गया वो फंसे, अब तो किसी कोई और फंसने वाला है। अच्छा अच्छा, कोई लेके गया वो फंसने वाला है। हाँ, तो मुकेश थोड़ी ना फंसने वाला जी जी। तो अब आपका डॉक्यूमेंट कौन लेके गया ये इस बात से पता चल जाएगा जो फंसेगा जी। अगर कोई नहीं फंसा तो समझो कि उसने डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया ही नहीं। क्या नहीं, जला दी उसने। हाँ, जला दिए तो कोई नहीं फंसेगा। और फंस गया तो फिर वो जो लेके गया वही फंसेगा। हाँ, वही फंसेगा जी। तो अब आप देखो भी, अब तो कोई ना कोई फंसने वाला है, आपके गले से चली गई। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का प्रयोग आपके अलावा कोई नहीं कर सकता जी। जो आपके अलावा प्रयोग करेगा वो फंस जाएगा। हाँ, जिसके पड़े हैं वो सेफ है। हाँ, मेरे पड़े तो मैं सेफ। हाँ जी, आप बिल्कुल सेफ ही रहोगे ना। सेफ, जो प्रयोग करेगा वो फंसेगा। वो फंसेगा सर। तो फिर आपको डरने की जरूरत है नहीं सर। और निकलवा लेना। हाँ, और निकल जाते हैं। क्या क्या था वो? तो सर आधार कार्ड सर, वोटर आईडी थी। वो तो निकल जाएगी ना दोबारा जी। आधार कार्ड तो वो नंबर देना और ओटीपी आएगा फोन पे। हाँ, वो निकल जाएगा। और वोटर आईडी वो जो जहां जाओगे वो निकाल देगा। हाँ, वो निकाल देगा बस। ठीक, तो फिर इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये तो 5-10 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है। इसमें हजारों घंटों की टेंशन देने की, लेने की या बीमारी पालने की जरूरत थी? नहीं सर। हुँ? इसमें तो जरूरत थी नहीं वैसे तो। हाँ, इतना नकली था वैसे। हाँ, तो ये तो रूटीन सा काम है। आप कई बार कोर्ट में जाते हैं, कई बार आप कोई कलरक के ऑफिस में जाते हैं, हमेशा जाते ही है ना। आप फोटो स्टेट कराने भी जाते हो, पेन कॉपी खरीदने भी जाते हो, ऐसे ही है। उनको आधार कार्ड निकलवा लाओगे, एक दिन जाकर के वो वोटर आईडी ले आओगे बस। तो सर ये मतलब ये नकली वहम है सर ये। हाँ, नकली विचार वहम है सर ये। असली होता तो फिर किसी ने किसी के साथ तो घटता ना। अनु थोड़ी या किसी को मतलब जेल होती है ऐसे। जेल होती तो फिर मान के चलो भी, वोटर आईडी कार्ड में तो जो दुश्मन है वो ये जेल ऐसे ही करा देते ना। ऐसे करा देते। हाँ, कोई वकील करने की और इतनी करने की जरूरत क्या थी? सही बात है। आज ही साथ उसमें उसके डॉक्यूमेंट लेकर जो उसकी। हाँ, तो फिर ऐसे ही लोग करवाते। अब जिसको मान लो भी आप नौकरी लगने वाले हो, कोई और लगने वाला है, तो उसके डॉक्यूमेंट लेके फंसवा दो उसे। अब नौकरी ऐसे ही होता ना जी। ऐसे तो जो आप जो चालाक लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो ज्यादा प्रयोग करते ना जी जी। हाँ, वो आपको क्यों फंसाते हैं? वो तो उनको फंसाते जिनसे उनको खतरा है। अब ये कंपनी है, उसके दूसरी अपोजिट कंपनी है, तो उसके मालिक का डॉक्यूमेंट लेके उसको फंसा के उसकी कंपनी को फेल करवा देते हैं। हाँ जी, तो बताओ जी। तो इसका प्रयोग कोई करता तो आप पर ही क्यों करता जी? आपसे पहले बड़े बड़े हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं, उन पे होता ना जी। जी, सही कर। हाँ, बिल्कुल। क्या समझे? सही है सर। अब तो जाने दो डॉक्यूमेंट को। अब खुश हो? अब सही। हाँ, इतने दिन तो डॉक्यूमेंट गुम होने का खतरा ही था जी। जी, आज असली में आपके गुम हो गए जी। और निकलवा लेना। क्या डॉक्यूमेंट है? एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, और क्या है जी? लोगों का पासपोर्ट, वीजा गुम हो जाता है ट्रेन में या फ्लाइट में, तब भी तो निकलता ही है। तब निकलता है। हाँ, कहने सर इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। आप बताओ भी है क्या? आप है नहीं सर। ये तो ओसीडी की टेंशन थी ना। हाँ जी। हाँ, ये तो ओसीडी के कारण लग रहा है मेरे को भाई। पड़ जाए, जेल हो जाएगी, वो हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हो रहा है। हो सकता ही नहीं है ना। हो सकता नहीं है सर। हाँ, ये तो हो सकता होता तो कब का हो गया होता। ये फेक डाटा है सर। 100% है। 100% क्या, 1000 करोड़% ये तो फेक ही था ना। फेक। इसमें असली का कितना पुट था वो आप बताओ। असली तो कुछ अब तो कुछ लग नहीं रहा सर। हाँ, ये तो ये ओसीडी ठीक होगी। हाँ जी, होगी। डॉक्यूमेंट को आज के बाद अवॉइड करोगे? अवॉइड करूंगा नहीं सर, चेकिंग करूंगा। नहीं, इनको ज्यादा इंपोर्टेंस दूंगा ज्यादा। और गुम करके ही आओगे? और गुम करके आऊं, फेंक के आऊं। हां, फेंक के आओगे घर से। हां, अगली बार कहोगे कि हां पक्का आज तो मैं गुम करके आऊंगा।
गुम ना हो जाए, इस विचार को कहना कि मैं पक्का ही गुम करके आऊंगा, साले कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार आ जा जी। समझ गए? समझ गए। अब बताओ क्या समझे फिर? समझाए सर, ये जो विचार था फेक विचार था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। किसी डॉक्यूमेंट करने पढ़ने से वो बंदा थोड़ी फंस जाएगा, नहीं कोई ऐसे फंसा सकता। कल मेरे डॉक्यूमेंट पड़ जाएंगे तो ये थोड़ी मेरे डॉक्यूमेंट पड़ गए, मेरे को फंसा देगा, मेरी जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खैर विचार है और बस फेक विचार है सर, ये गलत विचार है, ये मन में एक धारणा बनी हुई सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इस दुनिया में संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। तो ये डाटा हो गया डिलीट? हाँ डिलीट हो गया सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा पापा फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। हाँ जी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।